ना स्क्रीन पर। और सुमित जी बताइए जरा, आप क्या बताना चाहते हैं? शेयर में ब्रेकआउट हो रहा है क्या? जी देखिए, काफी टाइम से स्टॉक जो था कंसोलिडेशन था, आज यहाँ पे देखेंगे आप एक असेंडिंग ट्रायंगल का भी यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है। स्टॉक ने हायर लोस का फॉर्मेशन एक आज न्यू ब्रेकआउट दिया है, तो हमें लग रहा है कि बिल्कुल ये अच्छा यहाँ पे कैंडिडेट है। और इसका जो क्लोजिंग है, अगर 490 की रेंज के ऊपर आ रहा है तो फिर ये एक वीकली क्लोजिंग भी हमें दे सकता है। तो लग रहा है कि यहाँ पे स्टॉक को आप ऐड कर सकते हैं। और आज का जो वॉल्यूम है वो खास करके, तो हमें लग रहा है कि अगर किसी को पोजिशनली ऐड करना है या फिर BTST, तो ये दोनों का ही कैंडिडेट है। अगर कोई पोजिशनली ऐड करना चाहे तो जब हमने स्टॉक को नोटिस किया था, इट वॉज अराउंड 470, नाउ इट इज ट्रेडिंग अराउंड 490। तो तब जो था रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 446 का स्टॉप लॉस था। अपसाइड में जो टारगेट है 553 और 606। ये बात सच कह रहे हो, क्योंकि मैंने जैसे ही ये चार्ट देखा तो आपका ही मेरे को मूव दिखा कि हाँ भाई ये चला तो हुआ है थोड़ा शोर। अब करेंगे सर, मार्केट के अंदर जो हो रहा है इतना जल्दी जल्दी और इतना फास्ट हो रहा है कि शेयर का ब्रेकआउट मिलता है हाथ हाथ से निकल जा रहा है, ये पता भी नहीं चलता। खैर आनी है नहीं हो, एक दो चीज़ें और ज़रा पता कर लेते हैं। जैसे मैं कहूँगा शेयर्स में ढूंढने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, ठीक है मैं एक दो शेयर पता करता हूँ। एक भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर लिमिटेड, BEPL लिखना या भंसाली इंजीनियरिंग लिख लो, हमारे यहाँ पे भंसाली इंजीनियरिंग के नाम से सेव है वो। वैसे उसका कोड है BEPL, ये CBLI, 141 रुपये का, 2% ऊपर है। इसको BTST करें कपिल? BTST के नहीं करने के लिए उसने थोड़ा सा ऊपर से सेलिंग प्रेशर भी दिया हुआ है। वैसे लेट्स से कि स्टॉक वाइज ड्यूरिंग द डे 145 के लेवल के यहाँ पे गया था, अभी 142 पे है। लेकिन ओके, इतना ज्यादा भी करेक्शन है नहीं, और कुछ एक नैरेटिव्स बन रहे हैं कि चाइना के पिकअप इन द डिमांड, तो इसकी वजह से मेटल स्टॉक काफी अच्छा कर रहा है। एंड दूसरे भी जो इंजीनियरिंग कंपनीज है वहां भी ट्रैक्शन देखने मिल रहा है, और उसके जो पहले की जो रेजिस्टेंस लेवल है वो मुझे कहां ना कहां पे यहाँ पे देखने मिल रहे हैं, दैट इज 158 के लेवल के अराउंड पे। तो BTST या फिर 2-3 दिन का भी हम इसमें टाइम ड्यूरेशन लेते हैं तो एक 155 158 तक की तो मोमेंटम इसमें देखने मिल सकती है। तो हाँ, करने के लायक कैंडिडेट तो बन रहा है ये। ठीक है, एक शेयर फिर मैं जरा प्रदीप जी से पता करता हूँ। प्रदीप जी, एक BTST मेरी तरफ से, लाल पैथ लैब को कर सकता हूँ क्या? लाल पैथ लैब बिल्कुल कर सकते हैं। और स्टॉक में अगर आप देखें तो करीबन 15 सेशन के आसपास का करेक्शन कंसोलिडेशन का फेज देखा है। प्रीवियस जो हाई बने थे 2889 के, वो 10 जून को बने थे और उसको ये काट के आज नए हाई बना रहा है। तो डेफिनेटली एक नई मूव आ रही है। और ऑन द लोअर साइड जो सपोर्ट दिख रहे हैं वो करीबन 2825 के आसपास है, तो उसी के स्टॉप लॉस से इसको बाय किया जा सकता है। सर? मैं तीसरी चौथी बार एक शेयर के बारे में पता कर रहा हूँ, शायद काफ़ी सारे लोगों को अजीब भी लग सकता है कि एक ही शेयर को बार बार क्यों पूछा जा रहा है। उसके पीछे वजह ये होती है क्योंकि वही शेयर बार बार आपके आंखों के सामने आ जाते हैं, और दूसरा उन्हीं के बारे में पता करना चाहिए। मैं ऐसे अगर भागता रहूँगा, एक एक शेयर को पकड़ता रहूँगा, तो ना बाज़ार में अच्छे से शेयर पकड़ पाऊँगा, थक के हार जाऊँगा। हो सकता है मैं 10 ही शेयर बार बार पूछूँ, लेकिन 10 में मेरी प्रोबेबिलिटी 7-8 अच्छे शेयर पकड़ने की हो सकती है। उस शेयर का नाम है पिरामल एंटरप्राइजेस, इस शेयर को भी देखना चाहिए। हालांकि ये बहुत स्पीड से चल जाएगा इस पर मेरे को डाउट है, बट ये अच्छा शेयर है रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। मार्केट में इस समय प्रॉब्लम सिर्फ इसी चीज़ की है कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड जम नहीं रहा, लेकिन इस शेयर को देख के लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड जम जाएगा, क्योंकि आप अच्छा पा सकते हैं और कम खोएंगे। सुमित मूलचंदानी, केवल एक बार जरा देख के बताइए, मैं ठीक सोच रहा हूँ क्या पिरामल एंटरप्राइजेस के बारे में? और टारगेट स्टॉप लॉस भी बताइएगा मेरे को, सेफ्टी और ग्रोथ दोनों का कॉम्बिनेशन दिखता है यहाँ पे। अनम्यूट कीजिए सुमित सर। सॉरी डिम्बी जी, देखिए काफी टाइम के बाद एक अच्छा खासा यहाँ पे एक ब्रेकआउट आ रहा है। जब आप ड्रॉ करेंगे एक ट्रेंड लाइन बढ़िया सी, जो मार्केट जब PEL का टॉप बना था करीबन 1600 का, तो स्टॉक अभी ट्रेंड लाइन का काफी अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है कल क्लोजिंग बेसिस पे, और आज एक फॉलोअप भी है। हालांकि आज का जो फॉलोअप है उतना पावरफुल नहीं है, लेकिन क्लोजिंग अभी हमको कल के हाई के ऊपर मिल रहा है। तो बिल्कुल मुझे लग रहा है कि स्टॉक में यहाँ पे मोमेंटम बनेगा। 902 का यहाँ पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और अपसाइड में जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 1015 का, और जो दूसरा टारगेट रहेगा वो करीबन रहेगा 1070 का। देखिए यहाँ पे मैंने जो टारगेट दिए हुए हैं दैट इज अराउंड 15%, तो यहाँ पे आप करीबन 1 से 2 महीने का भी टाइम फ्रेम लेके चलिए।
जरा एक चीज बता दिखा देता हूँ। वैसे मैं निफ्टी के फ्यूचर्स लाल निशान में आ गए हैं और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अभी फ्लैट ही है। चलिए कोई बात नहीं, एक शेयर मैं और पता करता हूँ आपसे। ये मैं प्रदीप सर से पहले पता कर लेता हूँ टेक्निकली। प्रदीप सर जरा ग्रेनुलर्स इंडिया को चेक करना, ये सीरीज के आखिरी में और सीरीज के स्टार्टिंग में जब भी चले ना तो थोड़ा मूव अच्छा देता है ये। ओवरऑल निफ्टी फार्मा इंडेक्स पे हमारा पॉजिटिव व्यू है और एक काफी अच्छा आउटपुट में हमको लग रहा है कि फार्मा इंडेक्स आगे बढ़ सकता है। ग्रेन्यूल्स में भी अब अगर देखें तो 3-4 दिन सेशन एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन हुआ था और अर्ली चार्ट पे एक फ्रेश ब्रेकआउट 510 के ऊपर कंफर्म हुआ है। तो एक्चुअली हमने एक ट्रेडिंग कॉल के तरह से हमारे क्लाइंट्स को भी सजेस्ट किया है 498 का एक स्टॉप लॉस रखे, इसमें बाइंग पोजीशन होल्ड की जा सकती है, फ्रेश लॉन्ग भी बनाए जा सकते हैं और ऑन द हायर साइड 535-535 काइंड ऑफ लेवल पॉसिबल है ओवर नेक्स्ट कपल ऑफ सेशंस। ठीक है, डन। कुछ और स्टॉक्स पे भी नज़र डालें, हालांकि आज मैं वैसे बताऊँ मेरे को तो 3-4 दिन से वैसे भी प्रॉब्लम हो रही है स्टॉक्स ढूंढने में। मेरे से तो स्टॉक्स भी नहीं ढूंढे जा रहे ढंग से, आना जो मिल रहे हैं छोटे मोटे वो मैं आपके सामने रख देता हूँ रीजनिंग के साथ कि भैया ये रीज़न है। मैंने अपनी शीट को जब लॉन्ग वाली खोली ना तो मेरे को कुछ एक्साइटमेंट वाला हिस्सा वैसे नहीं दिख रहा, जो चला हुआ अति चल गया है। जैसे चला हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ, ल्यूपिन, वो अति चल गया है 7%। अब ल्यूपिन आपने 7% चला, मेरे को भी याद नहीं है कि मैंने कब देखा होगा। आप सबको भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि ल्यूपिन कब चला, जरा दिखाना ल्यूपिन स्क्रीन पर दिखाओ। अभी 7% ल्यूपिन ऊपर है और इसका बिल्डअप जाए देखो 42% का है। लॉरस लैब तो चलो ठीक है, वो तो मर्यादा में ही है, इस समय ही है। एक शेयर और पता करता हूँ जाइडस लाइफ साइंसेज का, टिपिकली आज फार्मास्यूटिकल्स का प्ले अच्छा है। सुमित जी एक बार जरा जाइडस लाइफ साइंसेज देखना। डेमी जी देखिए बिल्कुल यहाँ पे स्टॉक ने न्यू फॉर्मेशन दिया हुआ है यहाँ पे और आज जो क्लोजिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 2 से 3 बार स्टॉक ने 1110 से लेके 1120 का जो जोन है उसे ट्राई किया था एज अ रेजिस्टेंस, लेकिन आज क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पे मुझे मिल रहा है तो बिल्कुल मैं यहाँ पे एक न्यू पोजिशन बना सकता हूँ। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 1080 का। बाइक खरीदेंगे या फिर शेयर खरीदेंगे, क्या सही लग रहा है आपको? है लेकिन अभी तो शेयर ही खरीदना बनता है। द थिंग इज दैट कि टेक्निकली इसने काफी अच्छा मूव दिया हुआ है, जो हमने ऑटो पैक का दिया दिखने मिला हुआ है तो जो टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर का सेगमेंट था काफी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है और उसमें भी बजाज और काफी लीड दिया था। बीच बीच में टीवीएस ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया हुआ था लेकिन अभी इंटरमीडिएट करेक्शन मोड में है। सेंटिमेंटली ये एक पॉजिटिव न्यूज है कि आपकी सीएनजी पे बाई करना एंड दैट इज ऑल्सो विद इन 125 cc के स्पीड से। चार्टिकली मैं देखता हूँ तो 1480 पे अभी चल रहा है, अभी तक कोई इतना ज्यादा एक्शन चार्ट पे नहीं दिखने मिल रहा है लेकिन बेशक मैं इस पे फोकस करूंगा जब भी इसका जो कंसोलिडेशन पैच है जो पिछले 4-5 दिनों से स्टॉक प्राइस कहां ना कहां पे एक रेजिस्टेंस लेवल पे अटक रहा था और वो रेजिस्टेंस लेवल इसका इमीडिएटली आता है कहां पे 9580 के लेवल के यहां पे। तो 9580 के लेवल के यहां पे जब भी मुझे कुछ ब्रेकआउट देखने मिलता है ऊपर में तो मेरे लिए फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी बनेगा तो ट्रिगर 9580 के ऊपर ही बाय का देखने मिल रहा है अभी के लेवल पे नहीं।